नमस्कार, होमली वेज कुकिंग में आप लोगों को स्वागत है। आज हम बनाएंगे ब्रोकली मशरूम मलाई की सब्जी, जो कि बहुत ही जल्दी बनती है और बहुत हेल्दी भी है और खाने के लिए बहुत टेस्टी भी लगती है। चलिए अभी हम बनाने के लिए शुरू करते हैं। सब्जी के लिए छोटा सा ब्रोकली और 200 ग्राम मशरूम अच्छे से धो के अलग अलग काट के रखी हूँ। गर्म हो गया है, ब्रोकली को फ्राई कर लेते हैं। इधर डाल रही हूँ थोड़ा नमक और इसको थोड़ा चलाऊंगी। चलाने के बाद ढक के इसको 5 मिनट छोड़ देते हैं। 5 मिनट हो गया है, ढक्कन खोल के देखते हैं। देखिए, ब्रोकली आधा पक चुकी है। ब्रोकली को ज़्यादा नहीं पकाना है, अभी इसको निकाल लेते हैं। ब्रोकली निकालने के बाद इसी कढ़ाई पे और थोड़ा ऑयल डालेंगे। ऑयल गर्म हो गया है, अभी मशरूम को डालेंगे और थोड़ा नमक डालेंगे और इसको ढक के 5 से 7 मिनट पकाएंगे। अभी ढक्कन खुल के देखते हैं। देखिए, मशरूम से पानी निकल रहा है। पानी सूखने तक इसको छोड़ते हैं। मशरूम फ्राई हो गया है, अभी इसको निकाल लेते हैं। कढ़ाई गर्म हो गया है, इधर डालेंगे ऑयल। इधर 2 तेज पत्ता, 1 सूखा लाल मिर्च, 2 इलायची, थोड़ा सा जावित्री और थोड़ा सा दालचीनी। ऑयल गर्म हो गया है, इसमें डालेंगे थोड़ा जीरा, 2 तेज पत्ता, 1 सूखा लाल मिर्च और जितना खड़े मसाले रखे थे उसको डाल देते हैं। वो अनियन काट के रखी थी, भी अनियन को डाल रही हूँ। डालने के बाद अनियन को थोड़ा फ्राई करेंगे गोल्डन ब्राउन आने तक। देखिए, अनियन अभी गोल्डन ब्राउन कलर हो गया है। इसमें डालेंगे थोड़ा सा अदरक और लहसुन का पेस्ट। अभी मसाले को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी हम डालेंगे एक बड़ा टमाटर, काट के रखी थी तो उसको अभी हम डाल रहे हैं। स्वाद अनुसार नमक, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और डालने के बाद अच्छे से मसाला को हम भुनेंगे। मसाला को अच्छे से भुनने के बाद इधर डालेंगे थोड़ा सा गरम मसाला। अभी हम डालेंगे मलाई और अच्छे से मसाला को मलाई के साथ मिक्स करेंगे। मसाला अच्छे से पक चुके है, अभी हम ब्रोकली और मशरूम को डालेंगे। डालने के बाद अच्छे से मसाला के साथ एक बार मिक्स कर लेते हैं और इसमें डालेंगे 1 गिलास पानी। आप अगर ज़्यादा ग्रेवी चाहते हैं तो ज़्यादा पानी डाल सकते हैं, मैं 1 ही गिलास डाल रही हूँ। इधर
फिर ढक के 5 मिनट पकने के लिए छोड़ते हैं। 5 मिनट हो गया है, ढक्कन खुल के देखते हैं। देखिए मशरूम ब्रोकली की सब्जी कितने सुंदर बनी है। अभी इसमें डालेंगे धनिया पत्ता और गैस का ऑफ कर देते हैं। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कीजिए और एक लाइक भी कर दीजिए। मशरूम ब्रोकली रेसिपी देखने के लिए आप लोग को धन्यवाद।